जी नेक्स्ट जो चीज है, कोर्स बनाया कैसे जाता है। तो जब आप ये होम पे जाएंगे तो आपके सामने इस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू मॉड्यूल, क्रिएट न्यू मॉड्यूल। मॉड्यूल टेक्निकल टर्म है, मॉड्यूल के अंदर बहुत से सब चीजें आ जाती हैं, सब सेक्शन आ जाते हैं। अगर मैं आपको आसानी के लिए समझने के लिए तो टॉपिक, आप इसको टॉपिक से ध्यान रखें कि एक बड़ा टॉपिक, उसके अंदर फिर हम बाकी चीजें ऐड करते हैं। लेकिन टेक्निकल टर्म में, LMS की फॉर्म में इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो मॉड्यूल क्या है, अभी हम पहला मॉड्यूल अपना बनाते हैं। जब आप पहला मॉड्यूल बनाएंगे तो वो पूछेगा मॉड्यूल का नाम। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स मॉड्यूल होना चाहिए ऑलवेज इंट्रोडक्शन। एक और चीज, मॉड्यूल का नाम आपने हमेशा कैप्स लॉक में रखना है। मॉड्यूल का नाम आपने हमेशा कैप्स लॉक में रखना है ताकि उसकी जो खूबसूरती है वो बनी रहे, आगे जबकि आपको समझ आ जाएगी इसका मकसद क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल बनाया। जब हम कोई भी मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल बनने के बाद नेक्स्ट उसका ये एक डायलॉग बॉक्स यहाँ बन जाता है, दिस वन। ये बनने के बाद ड्रॉप हेयर फाइल टू ऐड मॉड्यूल। अब हम देखते हैं कि एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। जब आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, हेयर इज द प्लस साइन, ये वाला प्लस का साइन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा दिस वन, एड आइटम टू इंट्रोडक्शन। अब आपने एड आइटम्स करने हैं। आइटम्स कौन कौन से हैं ये जरा देखते हैं। असाइनमेंट, क्विज, फाइल, पेज, डिस्कशन, टेक्स्ट हेडर, एक्सटर्नल यूआरएल, एक्सटर्नल टूल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास जो हैं वो 8 आइटम्स हैं। आइटम्स कौन कौन से हैं दोबारा देख लें। आइटम्स हमारे पास असाइनमेंट्स हैं, क्विज है, फाइल है, पेज है, डिस्कशन है, टेक्स्ट हेडर्स हैं, एक्सटर्नल यूआरएल है, एक्सटर्नल टूल्स हैं। हमारे कोर्स में पेजेस जो हैं सिंपल, जितना वेब पेज होता है ना, कोई भी वेब पेज, ये पेज ऐड किया। इस पेज पे आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इस पेज पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं। तो हमने वीडियो लेक्चर तो डालना ही होता, तो उस वीडियो लेक्चर के लिए हम पेज लाजमी डालेंगे। तो सबसे पहले आपका पेज आएगा, वो आपसे पूछेगा पेज क्रिएट, क्रिएट पेज, यस, क्रिएट अ न्यू पेज, व्हाट्स, क्या क्रिएट पेज है। तो ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू PAF इंग्लिश, ठीक है, PAF इंग्लिश एड। तो ये देखिए हमारे पास एक पेज ऐड हो गया है, ठीक है। इस पेज पे हम बहुत कुछ एंट्री कर, जितना जो कुछ हम एक वेब पेज पे डाल सकते हैं ना, जो कुछ, वो सब का सब हम इस पेज पे भी डाल सकते हैं। वीडियोस डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, और भी बड़ी कुछ प्रोग्रामिंग करके चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश आ गया, दिस इज वन पेज ऐड। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, असाइनमेंट और क्विज में क्या फर्क है। क्विज नॉर्मली जो होता है, क्विज क्विज के अंदर हम जो बनाते हैं वो MCQs हैं, टेक्स्ट पेज भी होते हैं, क्वेश्चन आपके पास आता है, नीचे ऑप्शन होते हैं, आपने ऑप्शन एंटर करने होते हैं, सबमिट कर देना होता है, इसके नंबर होते हैं, हर सवाल का एक नंबर, उसका रिजल्ट भी बन जाता है। तो क्विज नॉर्मली इस तरह के होते हैं। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है कि अगर मैं स्टूडेंट से कहूं कि मुझे एसे लिख के सबमिट कराओ, असाइनमेंट कि आपने एक एसे लिखना है 200 वर्ड्स का और फिर सबमिट कराना है, तो स्टूडेंट एसे लिखेगा वर्ड की फाइल में और फिर उसको सबमिट कराएगा, वो हमारे पास आएगी, हम फिर उसको असेस करके मार्क्स देंगे। तो ये असाइनमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। तो हमारे कोर्स में नॉर्मली असाइनमेंट, इस इंग्लिश वाले में असाइनमेंट नहीं होगी। हमारा जो ISSB का कोर्स है उसके अंदर असाइनमेंट होती है, उसके अंदर असेसमेंट्स आती हैं, उसके अंदर एसे राइटिंग आती है, उसके अंदर स्टोरी राइटिंग आती है, पॉइंटर स्टोरी आती है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पर्सनैलिटी आती है, वैट टेस्ट, वहाँ पर असाइनमेंट ऐड की जाती है। इसके अंदर असाइनमेंट की जरूरत फिलहाल नहीं है। क्विज, क्विज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, आपने पहले भी खैर क्विज पे अच्छा खासा काम किया हुआ है, इसलिए क्विज पे मैं इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। जब बनाएंगे तो मैं बना के दिखा दूंगा आपको। डिस्कशन, ये क्या है डिस्कशन। तो वैसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन में तो डिस्कशन नहीं डालनी होती। डिस्कशन का पर्पस क्या होता है, डिस्कशन का पर्पस ये होता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ाया, हम एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश ग्रामर लेके चल रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़ाया पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक में आपने यहाँ एंटर कर दिया पार्ट ऑफ स्पीच, बस POS नाम रखा, इसको ऐड कर दिया। तो एक स्टूडेंट आया, उसने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी, अब डिस्कशन में आ गया। डिस्कशन में क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट आके आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट आके पूछ लिख सकता है वहां पर कि यार मुझे तो ये जो है एडवर्ब की समझ नहीं आई, तो बाकी स्टूडेंट आके नीचे, आपने देखा होगा थ्रेड्स जो नॉर्मली होते हैं, नीचे आके कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज देख लो, इसका मतलब ये है। मैं भी आके वहां पर रिप्लाई कर सकता हूँ, एज अ टीचर, जो मेरे साथ टीचर असिस्टेंट है वो भी आके रिप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास तो हो नहीं रही, तो स्टूडेंट का फीडबैक, स्टूडेंट के प्रॉब्लम उसने कहीं तो डिस्कस करना है ना, तो ये डिस्कशन पैनल बन जाते हैं जहाँ पर आके टीचर, स्टूडेंट्स आपस में, स्टूडेंट्स
डिस्कशन कर सकते हैं, आप एक दूसरे के रिप्लाईज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन इसलिए ऐड की जा सकती है ताकि कम्युनिटी का जो एलिमेंट है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एक कम्युनिटी बन जाएगी। 50-60 स्टूडेंट्स होंगे, वो एज अ कम्युनिटी आपस में डिस्कशन करके चीज़ों को मजीद सीख सकते हैं। ये डिस्कशन अगर आप कोर्सेरा पे, यूडेमी पे कोर्स ज्वाइन करें तो वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और सम टाइम हम इनको ग्रेडिंग भी कर देते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने डिस्कशन में अच्छी परफॉर्मेंस की है उसको हम 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये इस तरह से भी चीज़ें, डिस्कशन को हम ग्रेडेड भी कर सकते हैं, डिस्कशन की सेटिंग में जाकर हम चीज़ें देखेंगे। ऐड मजीद क्या हो सकता है यहाँ पर, टेक्स्ट हेडर, ये कुछ भी नहीं है, ये टेक्स्ट हेडर बेसिकली खूबसूरती के लिए है, इसका कोई अलग से एलिमेंट नहीं है। कैसे, जैसे मैं बनाता हूँ डिस्कशन का एक हेडर, तो देखें डिस्कशन का जब मैंने हेडर बनाया तो ये सिंपल, इसको मैं इधर डाल देता हूँ ऊपर। तो जब आप अपना कोर्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपने इंट्रोडक्शन में 3 वीडियो डालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे, इसको आप कर देंगे डिस्कशन में इंट्रोडक्शन, जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन वाले ऊपर लिखा हुआ है। मतलब आपके पास समटाइम कुछ ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक के नीचे आप 3-4 पेजेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उस टॉपिक की यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं। तो बहुत सारी हेडिंग ऐड की जा सकती हैं, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। बाकी दूसरा, इसको इंटेंट करते हैं, इंटेंट देख लें, ये भी खूबसूरती है। इस तरह करके यहाँ पकड़ के आप इसको, सॉरी यहाँ राइट पे जाएंगे, इंक्रीज इंडेंट, ये देखें वो अब जो पहले था इसकी सीध में था अब वो इधर आ गया। तो ये एक होता है कि सब कैटेगरी बन जाती है कि इस डिस्कशन की हेडिंग के अंदर ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये इंटेंट भी क्रिएट किया जाता है ताकि फ्लो समझ आए। अब जिस तरह ये डिस्कशन है, इसका अगर आप इंटेंट चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकती हैं यहाँ पर जाके, ये देखें। तो मजीद करना चाहें तो देखें वो मजीद इंटेंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ कोर्स वर्क को, कौन से टॉपिक के अंदर कौन सी चीज़ है, कौन सी डिस्कशन किस टॉपिक के अंदर है, तो इसके लिए इंटेंट का यूज़ किया जाता है, ये इंटेंट का इस्तेमाल है। और ये जो टेक्स्ट हेडर था इसका इस्तेमाल था। एक्सटर्नल यूआरएल सिंपल, आप को पता होगा हम जो लोग यूज़ करते थे कहूट का, आपने शायद वो यूज़ किया कि नहीं किया, कहूट हमारे साथ, कहूट का जो हम क्विज किया बनाया था किया था हम, कहूट एक जी। अलग से सॉफ्टवेयर है, उस कहूट से उठा के हम क्विज अपना यहाँ पर लाके एम्बेड कर दिया करते थे, और तो वो इसके अंदर इस्तेमाल। तो ये एक्सटर्नल यूआरएल है, एक्सटर्नल हम उसका किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, आप को कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास सबसे पहले एक पेज पे टॉपिक लिखें, और टॉपिक लिखने के बाद उनको तरतीब बनाएं कि एक स्टूडेंट आया है, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स का इंग्लिश का कोर्स पढ़ना है, तो मैं उसको पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊं या फिर मैं पहले उसको वर्ब पढ़ाऊं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स सारी उसके अंदर नहीं है, जो चीज़ें आती हैं हमारे कोर्स वर्क में उसकी पहले आप एक लिस्ट बना लेंगी, लिस्ट बना के बेसिकली मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें या पेज पे लिख के शेयर कर देंगे, सर ये कोर्स कंटेंट है हमारे पास। उस कोर्स कंटेंट के मुताबिक हम यहाँ मॉड्यूल डिफाइन कर लेंगे, हर मॉड्यूल के अंदर हम पेजेस डिफाइन कर लेंगे, जहाँ पर डिस्कशन की जरूरत हो डिस्कशन डिफाइन कर लेंगे, छोटे छोटे क्विजेज ऐड कर लेंगे। और क्विज करने के बाद हम फिर उसके बाद इस पूरे, जब ये हमारे पास यहाँ मॉड्यूल बन जाएंगे, सब टॉपिक्स बन जाएंगे, फिर हम इसके अंदर वीडियो लेक्चर, पीडीएफ की फाइल्स और ये सारी की सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो ये है फिलहाल आपका काम। अब जो करने वाली चीज़ है मुझे आपको करना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको ना इसी, ये जो मेरी आईडी है इस टीचर अकाउंट की, ये मैं आईडी पासवर्ड आपको देता हूँ, आप यहाँ पर आके इसको, मैं डिलीट कर रहा हूँ कोर्स को, डिलीट कहाँ से होता वो भी देख लेते हैं, होता भी है कि नहीं होता, होना तो चाहिए। अच्छा एक और चीज़, ये साथ में ना स्टूडेंट व्यू है, आप किसी भी वक्त ये देखना चाहें कि ये स्टूडेंट को कैसे नजर आ रहा होगा, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट व्यू आ गया। देखें स्टूडेंट के पास कोई पीछे बैकएंड नहीं है, यहाँ पर आप जब होम पे जाएंगे, अच्छा हमने पब्लिश नहीं किया हुआ अभी ना इसलिए उसको नजर नहीं आ रहा, अगर आप इसको दोबारा क्लोज करें, प्लीज स्टूडेंट व्यू पे जाएं और इसको आप पब्लिश, देखिए पब्लिश नहीं हुआ हुआ, इसको आप पब्लिश कर दें, ठीक है पब्लिश हो गया। अब स्टूडेंट व्यू पे जाएं तो अब आपको ये नजर आएगा पब्लिश, ही देखें ये स्टूडेंट के एंड पे नजर आ रहा है, उसको कोई सेटिंग्स और सिलेबस नजर आ रहा है, मॉड्यूल नजर आ रहे हैं, ये भी चीज़ें हम ऑफ कर देंगे। आप उसमें चैट भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स पेजेस पीपल, तो हम सारे का सारी चीज़ें ऑफ कर देते हैं। नॉर्मली हम इसके अंदर क्या ऑन रखेंगे, बस ये मैं जल्दी आपको बता दूं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को। यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग नेविगेशन, नेविगेशन में उसके पास होम रखेंगे, अनाउंसमेंट हम उसको नहीं देंगे यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं, असाइनमेंट्स नहीं देंगे डिसेबल करते, डिस्कशन ऑन है, ग्रेड्स को भी डिसेबल करें,
पीपल को भी देखने की जरूरत नहीं है कौन कौन रोल है, पेजेस की जरूरत नहीं है, पेजेस प्रोडक्ट होम के अंदर नजर आएंगे, फाइल्स भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आउटकम भी दिखाने की जरूरत नहीं है, रूबिक्स की जरूरत भी नहीं है, ये सब हम एक अलग से मेन्यू नजर नहीं आएगा, वो जो मॉड्यूल बने हैं उनके अंदर सब कुछ उसको नजर आएगा, डिस्कशन भी मॉड्यूल भी, लेकिन अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। बिग ब्लू बटन की जरूरत नहीं है, कोलेब्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, चैट ऑफिस में कर सकते हैं, अपने इसको ऑन रखते हैं, अटेंडेंस हमारा कोई ऐसा कोर्स नहीं है, अटेंडेंस गूगल ड्राइव को भी ऑफ कर देते हैं, ऑफिस 360 भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है काफ़ी कुछ ऑफ कर दिया है ताकि स्टूडेंट के बड़ा सिंपल सा रहे वो, इस तरह आप देखें, अब अगर आप स्टूडेंट व्यू पे जाएं ये देखिए साइड पे क्या है, डिस्कशन है, मॉड्यूल है और चैट है, जब आप मॉड्यूल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मॉड्यूल आ गया, उसके अंदर आ रही हैं डिस्कशन और पेजेस, अलग से यहाँ पर पेजेस या डिस्कशन दिखाने की जरूरत नहीं है, और ये सेटिंग सारी की सारी बाद में हम लोग कर लेंगे, तो दिस इज द थिंग, इसको मैं डिलीट देखता हूँ अगर ये होता है, वरना आप अलग से काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं मिक्स अप ना हो जाए, ऑप्शन कहाँ पर, डिलीट दिस कोर्स, ठीक है डिलीट कर देते हैं, डिलीट, तो अभी तक जो पब्लिश कोर्स है ना ये वर्बल इंटेलिजेंस है, ये भी हमने सारे के सारे कोर्स रिव्यू करके दोबारा बनाने हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको चलते हैं, वर्बल नॉन वर्बल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का जो कोर्स है, उसके बाद ये ISSB डेमो चल रहा है, ISSB का मेन कोर्स चल रहा है जो डॉक्टर मुदस्सर रहमान लेके चलते हैं, PF इंग्लिश का ऑलरेडी कोर्स बना हुआ रखा हुआ है, लेकिन दिखाता हूँ कैसा बना हुआ, इसको हमने सारा नहीं देख लिया, इसको आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, नरेशन है, टेंसेज हैं, वर्ब है, देख लीजिएगा कि बड़ा छोटा सा ही है, इसमें हमें ज़रा मजीद एनहेंसमेंट करनी, जब आप पूरे का पूरा ये कोर्स बना लेंगी तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसके जो वीडियोस भी रखी हैं वो भी हम देख लेंगे, तो ये इंग्लिश का हमारे पास कोर्स आ गया, तो इसकी जी है, आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ फिर हम सेशन एंड करते हैं, नो सर, क्लियर है। डैशबोर्ड, चल ठीक है, अब आपने क्या करना है, जी जी, जो है मैं फिर प्रैक्टिस करूंगी, कोई होगा तो फिर मैं आपसे मैं आपको पूछूंगी। थोड़ी देर में अभी एक्सेस दे देता हूँ बैकएंड की और फिर आप उसे करते हैं, चल थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।